हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा जो बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और जो कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं ना वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। हो सकता है कि आपका कोई सवाल हो जो मैं इस वीडियो में नहीं ले पाया हूं, तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर वो सवाल पूछ लें। हो सकता है कि उसका जवाब मैं हो सकता है क्या मैं डेफिनेटली दूंगा, तो नीचे कमेंट करके अपने सवाल को जरूर पूछिएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई फेज टू में लगभग 1,00,000 से 1,30,000 तक भर्तियां आएगी, ये तो बात क्लियर हो गई पहली बात। दूसरी बात देखिए, कुछ और जो चीजें सामने आई है उसके बारे में बात कर दें। तो देखिए सी टेट अपेयरिंग वाले का इसमें जो है इंक्लूजन जो है हो जाएगा, यानी कि वो इंक्लूड हो जाएंगे। सी टेट अपेयरिंग वाले भी स्टूडेंट जो है 6 to 8 के लिए शामिल हो जाएंगे, ये तो अभी की बात हो गई। अब मैं जो सबसे इंफॉर्मेटिव चीज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए देखिए क्या होता है ना, आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले लेते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेते हो, बट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो अगर आप यूनिवर्सिटी से इशू नहीं कराते हो तो आपके साथ जो है मसला हो सकता है, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। देखिए इसके लिए क्या करना है, ग्रेजुएशन का भी आपको सर्टिफिकेट ले लेना है, बीएड वाला भी सर्टिफिकेट या फिर डीएलएड जो भी आपने करा है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सर्टिफिकेट किसका, बीएड या डीएलएड का, ग्रेजुएशन का। जो लोग भी 11th 12th के लिए भर रहे हैं उनके पास मास्टर डिग्री, एमए एमएससी एमकॉम, जो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट की जो है आपके पास सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। तो इसका खास ख्याल रखिए, आपके पास समय है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल है, तो आप जो है चेकआउट कर लें और पता कर लें फॉर्म जो है उसके बाद ही भरना है, और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए कुछ और चीज़ों को देखते हैं हम लोग। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो है एक वेटिंग लिस्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा। बहुत सारे लोगों ने जो है सीटेट पास नहीं किया था, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कुछ बहुत तरह की चीज़ें हुई है, बहुत सारे लोग को जो है छटनी की गई है बीपीएससी के द्वारा, तो ऐसे में एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर से जारी किया जाएगा, जिसे आप जो है मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट भी कह सकते हो या फिर वेटिंग लिस्ट भी कह सकते हो। उन लोगों का जो है सिलेक्शन यहाँ पे होगा 10 से 15 हज़ार लोगों का। और बात करते हैं पीआरटी की, तो क्या पीआरटी की भी भर्ती आएगी, तो जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि 10 से 15 हज़ार की जो है पीआरटी की भी भर्ती आएगी। नीतीश कुमार अपने आप को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। तो ऐसे में जो है पीआरटी की भी भर्ती आएगी। फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीटेट अपेयरिंग वाले को भी मौका मिलेगा। और एक और बात खास ख्याल रखिएगा, बीपीएससी टीआरई फेज टू के लिए जो करंट अफेयर्स और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्वेश्चन है ना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर दी है, वहां से जाकर आप जरूर जो है करंट अफेयर्स वाली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आगे कुछ और भी अपडेट आती है तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।